We are here in Hangzhou and we have India's first gold medal that came in the men's team A rifling. I have two members with us, Aishwari Pratap Singh Tomar and Divyansh, who are here. Divyansh forgot his medal back in, but that's okay as long as we have them. Rudransh, the other member, we should also tell that we have an individual medalist also in the event. Aishwari won bronze, but I will not take much time here and move out of the frame and let these two guys take the center stage because they are the heroes for today. Aap bataye Aishwari, pehle aap se shuru kare agar aapne do medal jeete including gold India ka pehla Asian Games, is Asian Games ka gold, to wo feeling exactly ki pehla gold shooting se aaya aur main uska part hu, wo exact feeling kaisi hai? Sir, feeling kafi achhi hai, काफ़ी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए और जैसे आज हमने टीम इवेंट में हमने गोल्ड मेडल जीता है और उसी के साथ ही हमारा टीम का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है वो हमारे लिए ज़्यादा खुशी की बात है, मतलब जिसने हमारे गोल्ड मेडल में चार चांद लगा दिया और उसी के साथ ही मैंने अपने इंडिविजुअल इवेंट्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये कंटिंजेंट में कुछ ऐसा था कि यार पहला गोल्ड हमारे यहाँ से आना चाहिए, क्रिकेट में भी आज चांस है, बट कुछ ऐसी फीलिंग थी ये नहीं नहीं पहला गोल्ड लाएगा? सर, पहला गोल्ड तो पता नहीं, बाकी एक वो रहता है कि सारे गोल्ड अपने होने चाहिए, एक ही क्यों? ओके दिव्यांश, आप मेंबर है टीम गोल्ड के, आप टॉप 8 में फिनिश किए क्वालिफिकेशन में, बट अनफॉर्चुनेटली रूल्स कुछ ऐसे थे कि तीन शूटर एक ही कंट्री से नहीं फाइनल में हो सकते, दैट्स व्हाई यू मिस्ड आउट बिकॉज़ यू फिनिश्ड 8। तो वो आपको कहीं हिट किया या कुछ आपको ये पता था क्या ये रूल? शुरुआत में ये मैच खत्म होने के बाद में नहीं पता था, ये मैच खत्म होने के आधे घंटे बाद पता लगा, मैं फाइनल की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, बट ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था ये, बट आगे मेहनत करेंगे और फाइनल में आने की चांसेस ज़्यादा रहे। आप दोबारा ने, बट हम भी एक्चुअली खुश हो गए थे कि तीन शूटर आ गए, बट बाद में हमें भी रूल का रियलाइज हुआ कि ऐसा है जी, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। और आप अगर आपसे बात करूँ ऐश, तो शूट ऑफ हुआ रुद्रांश के साथ, अपने इंडियन प्लेयर के साथ शूट ऑफ हुआ, ये भी अनइमेजिनेबल था कि ऐसा सिचुएशन भी आ जाएगी, बट बाद में रुद्रांश से बात हुई कि यार ये कैसे हो गया? हाँ सर, वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था कि हम मतलब हम इंडियंस के बीच में ही शूट ऑफ हो जाएगा और मतलब काफ़ी खुशी भी है कि मतलब उस टाइम पे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे ही जितना है ये शॉट, और वो एक शॉट में मतलब इतना काफ़ी प्रेशर रहता है वो शूट ऑफ में कि जिसका कुछ हम कह नहीं सकते, बट यह काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने वो शॉट रिलीज़ करा और वो शॉट काफ़ी अच्छा था भी, 10.8 था जिससे मैंने वो शूट ऑफ जीता। थैंक योर फादर के उन्होंने ये डिसीजन लिया, थोड़ा सा वो स्टोरी बताएंगे क्या एग्जैक्टली वो स्टोरी है? सर, वो 2015 की बात है, जब मैंने शूटिंग को स्टार्ट किया था, जो कि मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी है जो कि यशोधरा राजे मैम ने पूरा इस्टेब्लिश किया उसको वहाँ पर। तो उस टाइम पे सर ऐसा सिचुएशन था कि मेरा एकेडमिक्स में इतना कुछ अच्छा था नहीं, तो मेरे जो ब्रदर है नवदीप सिंह राठौर, उन्होंने बोला कि ही टॉक टू माई फादर दैट कि हम ऐश्वर्य को शूटिंग करवा के देखते हैं एक बार। तो मतलब वो उनके लिए तो मेरे वो पापा के लिए काफ़ी वो डिफिकल्ट डिसीजन था कि इसको पढ़ाई साइड करवा के इसे शूटिंग करवा, यार इनकेस अगर इसने शूटिंग नहीं किया तो फिर ये आगे क्या करेगा, तो वो एक काफ़ी डिफिकल्ट डिसीजन था और देखिए बहुत अच्छा पक्का हो गया कि ठीक किया था, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस, इंडिया का पहला गोल्ड जो हम बात कर चुके हैं। थैंक यू सर, श्योर अभी और मेडल लाने हैं शूटिंग से, बिल्कुल सर आएंगे और ओलंपिक्स में भी हमें मेडल लाना है। श्योर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.